सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फाइनली आप लोग अच्छे होंगे। मेरा चैनल डिलीट हुआ और किस तरह डिलीट हुआ, वीडियो में मैंने क्या डाला, मैंने चैनल पर किस तरह वीडियो अपलोड किया जिसके कारण मेरा चैनल डिलीट हो गया। यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया है। मैंने ये दूसरा चैनल बनाया और मेरा जो पहले वाला चैनल था उसका नाम था कुंदन एडवाइस सेंटर। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा कि वो जो मेरा चैनल डिलीट हुआ उसमें किस तरह क्या लिखाता है। मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पहले ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरा चैनल पे यहाँ पे क्या लिखाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एक्शन इज नॉट अलाउड टैप टू ट्राई। यहाँ पे मेरा ये देख सकते हैं ये वाला जीमेल, जिससे कि मेरा ये चैनल था कुंदन एडवाइस सेंटर से, और ये चैनल मेरा डिलीट हो गया। मैंने ऐसा क्या गलती किया यार जिससे मेरा चैनल डिलीट हो गया? ऐसा गलती आप ना कीजिएगा। मैं यही चीज बताऊंगा कि मैं उस समय न्यू था और मुझे पता नहीं था कि हमारे चैनल पर क्या डालना है, हमारे यूट्यूब वीडियो में क्या यूज करना है, कौन सा वीडियो यूज करना है, ये सब मुझे नॉलेज नहीं था। और मुझे अब नॉलेज हो चुका है। वो मेरा चैनल लगभग दो इयर्स पहले मैंने उसको क्रिएट किया था और उस पर वीडियो डालना ऐसे डालता था नॉर्मली। और वो मेरा चैनल लगभग इधर वही लॉकडाउन से पहले मेरा चैनल डिलीट कर दिया गया। तो मैंने फिर ये दूसरा चैनल बनाया जिसपे अभी सब्सक्राइबर लगभग 600 है। आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि मेरा चैनल किस तरह डिलीट हुआ। आप अपने चैनल पर अगर कुछ भी डालते हैं तो सबसे पहले आप देख ले कि कहीं दूसरे का कंटेंट तो यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको खुद से मेहनत करके, खुद से वीडियो बना के आपको अपने वीडियो अपलोड करना है अपने चैनल पर। दूसरे का बिल्कुल ना करें। और सॉन्ग अगर डालना है तो सॉन्ग यूज कर सकते हैं नॉर्मली, सॉन्ग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दूसरे का वीडियो कंटेंट नहीं यूज करना है। आपको खुद, अगर आप स्टेटस क्रिएटर है या शॉर्ट क्रिएटर है, तो आप अपना वीडियो डालिए। दूसरे का वीडियो डालने से कोई फायदा नहीं है, आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होने वाला है। ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। मैंने अपना चैनल पे इसी तरह से कुछ गलती किया था जिससे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया। क्लेम आने से कोई हानि नहीं है, स्ट्राइक आया जो कि 3 बार आने के बाद आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। मैंने यूट्यूब से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि मेरा चैनल वापस कर दे, लेकिन वापस नहीं कर पाया। मैंने फिर से सोचा क्यों नहीं मैं अपने फिर से एक बनाऊँ। मेरा वो चैनल पे लगभग 1K सब्सक्राइबर था, उससे ज़्यादा ही होगा, पर व्यू नहीं था, इसलिए मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई नहीं किया था। पर ये इस चैनल पे मैंने खुद से वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ और मुझे बिलीव है कि ये चैनल में मोनेटाइज होगा। मैंने इस पे खुद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको बताएंगे कि मेरा फर्स्ट वीडियो किस तरह से वायरल हुआ है। अगले वीडियो में आप यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो होगा। अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो अपने वीडियो में कोई अदर टैग यूज मत कीजिए, जो आपका वीडियो है उसी के रिलेटिव में आप अपना टैग यूज कीजिए। दूसरे का वीडियो अपलोड मत कीजिए। मैं बार बार कहूँगा कि आप अगर अपने चैनल पर दूसरे का वीडियो डालते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपके चैनल पर 3 से ज़्यादा या 3 आ गया यूट्यूब पर स्ट्राइक, तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। आप रिक्वेस्ट करेंगे यूट्यूब से, बहुत ही मुश्किल होता है कि आपका चैनल लौटा दे। मेरा तो अभी तक लौटाया नहीं। मैंने बहुत सारा अप्लाई किया लेकिन मेरा चैनल रिटर्न नहीं हो पाया। तो ऐसा गलती आप ना करें दोस्तों। आपने खुद दम पे आपको अपना चैनल को ग्रो करना है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, मैंने बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत ही न्यू है। मैंने एक चैनल खो दिया है, इसका अफसोस तो है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मुझे रुकना नहीं है, आगे मेहनत करते जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जान दे देंगे इसके लिए।